हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ हो, अपने अपने परिवार में खुश होंगे। अभी बजे सुबह के लगभग 6 और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मौसम कुछ ख़राब है और इधर धुंध छाई हुई है, ठंड भी काफ़ी है हमारे यहाँ, और आज दो दिनों से लगभग बारिश हो रही है। और फ्रेंड, रोज़ की तरह आज मैं फिर जा रहा हूँ आमगुड़ी में, और ट्रेन से ही जाने वाला हूँ, और वहाँ जाके आज मैं एक बहुत ही एक खूबसूरत सी जगह में जाने वाला हूँ, और आप सबको मैं दिखाते रहूँगा उस खूबसूरत की जगह, खूबसूरत सी जगह। और अभी चलते हैं फटाफट से स्टेशन और ट्रेन से जाते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रेन का जाने का ब्लॉग दे रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच के ही आप लोगों के साथ जुड़ूँगा। तो फ्रेंड, मैं आ पहुँचा हूँ मोदियानी से आमगुड़ी तक बाय ट्रेन, और यहाँ पहुँचकर ही हमारा सडनली प्लान हुआ जोरहाट में स्थित शांति आश्रम जाने का। और यहाँ शांति आश्रम पहुँचते ही यहाँ का नज़ारा देखकर हमें बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि ये आश्रम या मठ देखने में काफ़ी सुंदर और भव्य दिख रहा था। और ये आश्रम या मठ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, और इसे सरस्वत मठ भी कहा जाता है। और ये मठ 1319 के अक्षय तृतीया के दिन इनॉग्रेटेड किया गया था। आज आश्रम में काफ़ी मात्रा में भीड़ थी, क्योंकि बहुत से लोग आश्रम देखने को आए हुए थे, और आश्रम के चारों ओर फूलों के बागान और बगीचे से बहुत ही सुंदर और भव्य दिख रहा था, क्योंकि बहुत ही प्रकृति और शांति एकांत जगह पर ही है। और हमने यहाँ थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हमें कुछ दूसरा काम आ गया था, इसी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा। सो फ्रेंड, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और 8 तारीख से महाशिवरात्रि है, और हमारे यहाँ तो आज से शिवरात्रि का मेला शुरू हो चुका है। और यहाँ पर 600 साल पुराना शिव मंदिर भी है, और मैं कभी भी आपको वहीं पर गया तो वहाँ का भी एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। 600 साल पुराना शिव मंदिर इसीलिए मैंने कहा है, क्योंकि हमारे असम में अहोमों ने 600 साल तक राजत्व किया था, और उसी समय पे ये मंदिर बनवाया गया था। तो इस मंदिर के विषय में एक दिन मैं फुल वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊँगा उसके। सो फ्रेंड, ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।